I'm going to introduce you to somebody that helps all our busy stars at times by dubbing in their voice. Ye bahut badi cheez hai. It is something that most of us, as in especially the men, when they don't have the time, when they're as busy as Salman, this new young talent helps them dub. He has done everybody's voices, from Ashok Kumar to Akshay Kumar, from Shah Rukh Khan to Aamir Khan. Yes, you're right. I'm gonna get on stage the tall, the very good looking, the handsome, K. Sanjay. क्या यार, जब तक आप तालियां नहीं बजाएंगे वो आएंगे नहीं. मैंने कहा था मो मो मो, we need some more. हेलो ऑल आवर बॉलीवुड फिल्म स्टार्स जॉइन अ कॉलेज बट ड्यू टू नॉट स्टडिंग दे गेट फेल. So they go to the principal and argue with him. First of all, the mighty Sunny Deol. क्यों सर, पहचाना मुझे? मैं वही आपका पुराना स्टूडेंट सनी देओल. सर, आज आपने मुझे 10वीं बार फेल कर दिया और अगर ये बात मेरे पापा को पता चल गई तो वो आपकी हड्डी पजली कर देंगे. मेरे पापा के बाजुओं में आप भी बहुत दम है, शायद आपको पता नहीं, लेकिन मेरे पापा ही मैन है. चलता हूं, लौट के मिलता हूं, गुड बाय. थैंक यू वेरी मच. The next hero is the chocolate hero who has started stealing your hearts from Kayamat se Kayamat tak to Man. And I'm going to present his mood from film Ghulam, Aamir Khan. Hey, are you going to get out of here? You know your name, Siddharth Marade Siddhu. और अपन को समझने का नहीं बुद्धू. अरे जब तू बात करता है ना तो दो दिन तक अपने दिमाग में घंटी बजता रहता है. और आत्मसम्मान की बात कर रहा है, अबे जब शरीर में हड्डी नहीं बचेगी तो आत्मसम्मान के छठी मिनट वही खाएगा तू. देख, सीधी तरह से अपन को पास कर दे वरना आग बन मुंह खुला कर देगा. वैसे प्रिंसिपल, आपके लिए एक शेर अर्ज कर रहा हूं कि काश आपके चेहरे पर चेचक के दाग होते, काश आपके चेहरे पर चेचक के दाग होते. अरे चांद तो आप हैं ही, सितारे भी साथ होते. Thank you. The next student is the sports champion of the college. Khiladiyon ka khiladi, international khiladi, Akshay Kumar. Sir, aapne mujhe fail kyun kiya? Kyun kiya aapne? Look, Mr. Principal, ye koi फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही जहां पे आपको अपनी गलती सुधारने के लिए 10-10 रिटेक मिलते हो. यहां पे सिर्फ एक टेक होता है, एक टेक. और अगर इस एक टेक में आप कोई गलती कर जाते हैं तो हमारी जिंदगी पे फेल होने की मोर लगती है सर. अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आप पछताएंगे. इसलिए कहता हूं, रफ एंड टफ हो तो रफ एंड टफ पहनो. The next student is the macho man, Sunil Shetty. Sir, अपने जिंदगी में मारे हैं, प्रिंसिपल तो बहुत देखे हैं, लेकिन पैसे लेकर फेल करने वाले प्रिंसिपल को पहली बार देख रहा हूं. सर, आज मैं जो कुछ भी हूं वो मेरे पारों की वजह से हूं. अगर आपने मुझे पास ना किया तो मैं आपका वो हशर करूंगा
कि आपके पुरखे भी आपकी लाश पहचानने से इनकार कर देंगे और इसका जिम्मेदार सब आप हो गए। थैंक यू। फेल हो गए हैं शक्ति कपूर। बापू मैं फेल हो गया, हाँ मैं फेल हो गया, हाँ मैं फेल हो गया, हाँ मैं फेल हो गया। तक दिन आदन था बापू मैं फेल हो गया, मगर इसमें मेरा कोई दोष ना है। ललिता ने मुझसे कहा था कि अगर मैं पहले नंबर में पास हो जाऊंगा तो मुझसे शादी करेगी, इसलिए मैंने पड़ोस वाले अमरीश पुरी को बहुत सारे पैसे देके मेरे जगह इम्तिहान में बैठने का, मगर उसने मुझे धोखा दिया। मेरे पैसों के साथ साथ वो ललिता को भी लेके भाग गया और मैं फेल हो गया। आओ। थैंक यू। द नेक्स्ट स्टूडेंट इज द हैंडसम पर्सनालिटी अनुपम खेर। गुड डैम यू पोल, अबे नलायक बेचारा कुत्ते कभी नहीं कह गया तूने, आ सारे के सारे पेपर में फेल कर दिया, देख सीधी तरह से मुझे पास कर दे वरना मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। कुत्तों ने नहीं खाए तो कौओं को खिला दूंगा, कौओं ने मैं नहीं खाए तो मैं खुद खा लूंगा। यू डैम यू फॉल। नेक्स्ट स्टूडेंट है अनिल कपूर। मास्टर जी आप मुझे पास क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे यार अपने इन्हीं हाथों से पेपर लिखे मैंने। सर अगर आपने मुझे पास नहीं किया तो आसमान फट पड़ेगा, चांद सूरज अपना रास्ता बदल देंगे, यह धरती अपनी धुरी से हिल जाएगी यार। थैंक यू। नेक्स्ट स्टूडेंट इज ऑल टाइम फेवरेट मिस्टर असरानी। बापू मैं फेल हो गया, मगर इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कॉपी मारने के लिए मैं माधुरी के पीछे बैठा था, वो खुद तो फेल हो गई, साथ साथ मुझे भी फेल कर दिया, मगर डरने की कोई बात नहीं, अगली बार मैं करिश्मा के पीछे बैठूंगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इज स्टूडेंट हू हैज गॉट लकी नंबर 1 एज इज लकीस्ट नंबर मिस्टर गोविंदा। गोविंदा गेट फेल, ही गोज टू हिज फादर स्लैप्स हिम एंड इन टर्न हाउ गोविंदा रिएक्ट्स। क्या था भाव जी, आज हम लोग थप्पड़ मार दिया। अरे जिस बेटे को कभी आपने गुस्से के नजर से देखा तक नहीं था, आज आपने उसे थप्पड़ मार दिया। अरे वाह बाबू जी वाह, लेकिन बाबू जी थप्पड़ आपने मुझे यहां नहीं, क्या भरा बाबू जी, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। डेविड धवन के क्लास में एडमिशन लूंगा, पहले नंबर में पास होगा फिर आपको बुरी खाऊंगा, क्योंकि मेरे आने वाली फिल्म का नाम है स्टूडेंट नंबर 1। समझे के लिए समझे, क्या समझे। थैंक यू। नेक्स्ट स्टूडेंट इज द बैड मैन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री गुलशन ग्रोवर। पिताजी मैं फेल हो गया, गन्ना चूस गया, मगर इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कॉपी मारने के लिए मैं किताब तो ले गया था, मगर कॉपी नहीं मारी क्योंकि पेपर था इंग्लिश का और मैं हिंदी की किताब ले गया, गन्ना चूस गया। थैंक यू। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट परेश रावल। भूख लगे हैं प्रिंसिपल साहब, भूख लगे हैं।
मैं तो समझा था साला पागल है, मगर तो विकृत लगता, पॉलिटिक्स करता है साला। भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। कारूबा, जिस तरह से बुका कुत्ता रोटी उठा के लाता है ना, लाता कि नहीं, उसी तरह साले प्रिंसिपल के बीबी बच्चों को उठा के मेरे पास लेके आओ, वरना कल को लोग कहेंगे कि बेलजी भाई के कुत्तों का पानी कम हो गया। थैंक यू। आइए, जाते जाते आखिरी आवाज पेश कर रहा हूं, नाम नहीं बताऊंगा मैं इनका, तीन खानों में से एक खान तो हमारे साथ है, एक की आवाज मैं पेश कर चुका हूं, बाकी बचे हुए का अंदाज पेश कर रहा हूं, सुनते हैं। कितने आसानी से कह दिया कि फेल हो गए, अरे पढ़ाई करने के बावजूद फेल हो गया मैं, अरे अब इन छोटी छोटी बातों के लिए पैर तो नहीं पड़ूंगा तुम्हारे के, आप मुझे पास कर दीजिए, आप मुझे पास कर दीजिए, अरे देखिए 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 ना सर, अरे अपने इन्हीं हाथों से पेपर लिखे मैंने, अरे मैं जानता हूं कि आप इस कॉलेज के बॉस हैं, और ये भी जानता हूं कि इस जहां में जीने के लिए हर गम को पीने के लिए यहां तक कि इम्तिहान में पास होने के लिए कहना पड़ता है यस बॉस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।